दोस्तों टाटा कंपनी ने एक बहुत ही सस्ती कार बनाई थी जिसका नाम था नैनो कार। वो कार क्यों बनाई गई थी और कैसे वो कार फेल हो गई जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार रतन टाटा अपने कार से जाते हैं और वो देखते हैं कि एक आम आदमी जो है मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, आगे एक बच्चा है, बीबी है, पीछे दो बच्चे बैठे हुए हैं। तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि कैसे ये लोग जो है सफ़र करते हैं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो इनके सफ़र को आसान बना दे। तो उन्होंने एक ऐसा आइडिया निकाला जिसमें उन्होंने सोचा कि एक सस्ती से सस्ती कार बना दी जाए जिसे लोग उसको खरीद सकें और अपने ट्रेवल यानी यात्रा को जो है आराम से कर सकें। उनके दिमाग में ये आइडिया तो आ गया। अब बात थी कार बनाने की। दोस्तों उन्होंने ऐलान कर दिया कि 1 लाख में जो है कार बनने वाली है और वो न्यूज़ भारत में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गई। यहां तक कि बराक ओबामा भी इस न्यूज़ को पढ़ के जो है सोचने लगे कि भारत का कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो 1 लाख में कार बना रहा है। लोग इस कार को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। अब बात थी कि कंपनी कहाँ खोली जाए। तो रतन टाटा जो है अपनी कंपनी को जो है पश्चिम बंगाल में खोलने के लिए जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में जाते हैं, कंपनी खोलने की शुरुआत करते हैं, लेकिन वहाँ पे ममता बनर्जी और उनके कुछ सहयोगी जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और इसके बाद आंदोलन शुरू हो जाता है। अब भैया धीरे धीरे टाइम जो है बीतता रहता है, टाइम के साथ साथ महंगाई भी जाती है। अब टाटा कंपनी को जो कार बनाने का रेट 1 लाख रुपया था उसको अब रेट बढ़ने लगा। अब टाटा कंपनी को वहाँ कार का फैक्ट्री बनाने नहीं दिया जाता था। अब टाटा कंपनी को जो है ऑफर मिलता है गुजरात से। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रहते हैं और टाटा कंपनी को इनवाइट करते हैं कि आप पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि हमारे स्टेट गुजरात में अपनी कार की कंपनी खोलिए। अब इस बीच साल भर का समय लग जाता है, चूंकि रतन टाटा ने वादा किया था कि 1 लाख में कार बनेगी। साल भर में चीजें महंगी हो जाती हैं, आपने कार के रेट्स देखे होंगे कि साल भर में महंगे हो जाते हैं। और रतन टाटा के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि 1 लाख में कार कैसी बनाई जाए। दोस्तों कार बनने लगी और प्राइस उसका जो है 1 लाख से ज़्यादा लग गया बनाने में। तो उनके सहयोगियों ने बोला कि आप अब 1 लाख में कार क्यों बेचेंगे, इसका प्राइस जो है बढ़ गया है तो आप जो है कार का प्राइस बढ़ा दीजिए। तो टाटा ने कहा कि जवान की सबसे बड़ी कीमत होती है और प्रॉमिस इज प्रॉमिस, टाटा ने कहा था। और उन्होंने 1400 करोड़ रुपये का घाटा सह के जो है 1 लाख में कार को लॉन्च कर दिया। अब 1 लाख की कार तो बन के तैयार हो गई, लेकिन उसके जो सबसे अच्छे मॉडल थे वो 2 लाख से शुरू होते थे। 1 लाख में आपको एक नॉर्मल कार मिलती थी जिसमें कार के अलावा कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो उस कार के बारे में जो है न्यूज पहले से थी, सबसे सस्ती कार, सबसे सस्ती कार, सबसे सस्ती कार। अब जब मार्केट में आई तो उस कार को लोग जो है खरीदे, वो कार ज़्यादा बिक्री नहीं की। टारगेट था कि हर साल जो है 3 लाख यूनिट बेचा जाएगा, लेकिन जब से नैनो कार बनना शुरू की 10 साल के अंदर 3 लाख यूनिट भी नहीं बेचा गया। क्योंकि जब नैनो कार को कोई खरीदता था, अपने घर ले जाता था, तो कार देखने वाले ये नहीं कहते थे कि इनके घर कार है, बल्कि ये कहते थे कि यही नैनो कार आपने खरीदी है, ये तो सस्ती कार है। और आप जानते होंगे कि इंडिया में जो लोग कार खरीदते हैं वो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए खरीदते हैं। और नैनो कार के बारे में न्यूज़ पहले से ही था कि नैनो कार जो है सबसे सस्ती कार है। यानी अब नैनो कार पे चढ़ने वाला आदमी कार वाला या अमीर नहीं माना जाता था, बल्कि वो गरीब का गरीब ही था। और इस वजह से अपने स्टेटस को ना बना पाने की वजह से नैनो कार को जो है लोग नहीं खरीदे, और यही रीजन था कि नैनो कार बंद हो गई। टाटा का सपना जो था ये था कि आम आदमी भी कार पर चले, लेकिन आम आदमी ने इन चीज़ों को नहीं समझा। रतन टाटा ने 1400 करोड़ रुपए का घाटा सह के उस कार को मार्केट में लॉन्च किया हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए इस कार को सस्ती कार का जो है नाम देकर फ्लॉप कर दिया गया। वैसे रतन टाटा की बात ही कुछ और है। उन्होंने कहा था कि प्रॉमिस इज प्रॉमिस, उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जान के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप रतन टाटा को पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।